श्री ठाकुर अनुगुल चंद्र मुखनिसृत सत्यानुशन ग्रंथ पाठ ओडिया अनुवाद आज प्रसंग हूँ मनीष हेबार लक्षण कौन मनीषर लक्षण कौन होगा उचित जेते दिन जाए तुम शरीर और मन में व्यथा लगे सेते दिन जाए तुम्हें गोटे पिंपुड़ी मध्य कष्ट निराकरण दिगरे चेष्टा रखा उचित आदि न कर तेबे तुम ठारु हीन आउ किए तुम गालरे चापुड़ा मारिले जदि कहिपार किए कहा को मारुछि तेबे अन्यर बेळकु मध्य कुह भल कथा खबरदार निजे जदि सेपरी न भाविपार तेबे अन्यर बेळकु कहिबाकु जाओ नाही जदि निजर कष्ट बेळकु संसारी साज अन्य बेळकु ब्रह्मज्ञानी साज नाही बरं निज दुख बेळकु ब्रह्मज्ञानी साज एवं अन्य बेळकु संसारी साज एपरी भेल मध्य भल अटे जदि मनीष हुओ तो निज दुखरे हस आउ पर दुखरे कांद निजर मृत्यु जदि अपसंद कर तेबे केबे हेले काहाकु मर बोली कहो नाही हस किंतु विद्रूपरे नुहे कांद किंतु आसक्तिरे नुहे भल पाइबारे प्रेमरे कांद कुह किंतु आत्मप्रशंसारे बा ख्याति विस्तार पाए नुहे ताहले कोथ पाए तुमर चरित्र कौन सी उदाहरण रे जदि कहारी मंगल हुए तेबे ता निकट रे ताहा गोपन रख नाही तुमर सत् स्वभाव कर्म रे फुटी उठु किंतु निज भाषा रे जेपरी व्यक्त न हुए नजर रख सत् रे तुमर आसक्ति संलग्न कर अज्ञात सार रे सत् हेबो तुम्हें आपणा भाव रे सत् चिंता रे निमग्न हुओ तुम अनुजाई भाव आपणा छाए फुटि उठिबो असत् चिंता जेपरी चाहणी वाक्य आचरण व्यवहार इत्यादि रे फुटि उठे सत् चिंता मध्य सहीपरी उक्त रूपे फुटि उठिथाए ओम स्वस्ति 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 वंदे पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुगुल चंद्र मुखनिसृत सत्यानुशन ग्रंथ पाठ।